नमस्कार, आजकल आपके इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक के प्रारंभ में हम आपको बताते हैं जल संसाधन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा आयोजित कार्यशाला के बारे में, जिसमें जल ही जीवन है और जल ही कल है विषय को मजबूती से रखते हुए जल संरक्षण के उपायों पर विचार किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जल संसाधन विभाग के प्रमुख शासन सचिव नवीन महाजन थे। जल ही जीवन है और जल है तो कल है, इस विषय को मजबूती से बढ़ाने और राजस्थान में जल संरक्षण पर किए जा रहे कार्यों और नए उपायों पर विचार विमर्श करने के लिए जल संसाधन विभाग ने जयपुर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। यह आयोजन जल संसाधन विभाग और विश्व बैंक के जल संरक्षण के लिए कार्य कर रही विंग के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। इस आयोजन के पीछे मुख्य उद्देश्य प्रदेश में घटते जल स्तर पर विचार करना, भविष्य के लिए जल संरक्षण की विधियों के बारे में चर्चा करना, साथ ही जल की महिमा को प्रतिपादित करना था। राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ की आजीविका मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, लेकिन यहाँ की मुख्य समस्या बारिश की अनिश्चितता है और बारिश की अनिश्चितता के चलते कई बार फसलों का भयंकर खराबा हो जाता है, जिससे किसान आजीविका प्राप्त नहीं होने से मौत को गले लगा लेते हैं। और इन्हीं सभी समस्याओं, किसान और प्रदेश की खुशहाली, जल के समुचित संरक्षण और संवर्धन के लिए इस कार्यशाला के माध्यम से सुझाव सामने आए। इस एक दिवसीय कार्यशाला में प्रदेश भर से कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान सरकार के सिंचाई विभाग के प्रमुख शासन सचिव नवीन महाजन थे। वहीं वर्ल्ड बैंक की प्रतिनिधि स्तुति शर्मा, अन्य प्रतिनिधियों में केपी बख्शी और बीआर पिल्लई मौजूद थे। इस कार्यशाला में चित्रों के माध्यम से प्रदेश की जल स्थिति को दर्शाया, जिसमें ग्राउंड वाटर और अंडरग्राउंड वाटर की स्थिति पर फोकस किया गया। इस कार्यशाला में जल संबंधी कार्य और योजनाओं की रूपरेखा आदान प्रदान के लिए राजस्थान और महाराष्ट्र के मध्य एक MOU भी साइन किया गया। यहाँ जल संरक्षण परिदृश्य और एडॉप्शन ऑफ माइक्रो इरिगेशन पर प्रकाशित स्मारिकाओं का विमोचन किया गया। क्या कहते हैं श्री नवीन महाजन इस कार्यशाला के आयोजन के बारे में? कार्यशाला जो आज जल संसाधन विभाग ने आयोजित की है, इसका मुख्य उद्देश्य पानी के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है, तथा साथ ही जो जल संसाधन के क्षेत्र में सरकार के द्वारा अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं, अलग अलग परियोजनाएं लाई जा रही हैं, उन पे प्रकाश डालना है। वर्ल्ड बैंक के साथ हमारे दो प्रमुख प्रोजेक्ट फिलहाल स्टेट में भी चल रहे हैं, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट और जो बांधों के जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार का जो कार्यक्रम बजट में भी इस साल अनाउंस हुआ था, ड्रिप। तो ये दोनों महत्वाकांक्षी प्रोग्राम हैं, एक में जो टेक्नोलॉजी कंपोनेंट है उस पर फोकस है और दूसरा है जो हमारी पूरी विरासत है बांधों की, उनका जो जीर्णोद्धार है, उनका जो मॉडर्नाइजेशन है, उनका जो सेफ्टी पार्ट है उसको हैंडल करना है। हम लोग इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि हम लोग जो इरिगेशन है, इरिगेशन को स्प्रिंकलर और ड्रिप के ज़रिए करें। और जैसा मैंने अपने प्रस्तुतिकरण में भी बताया था कि जहाँ पर हमने इस तरह के पायलट्स किए, उनके नतीजे बहुत ही उत्साहवर्धक निकले हैं। जो निवेश हम लोगों ने इस तरह के प्रयोगों में किया, वहाँ पे लागत हमें किसान की आमदनी में बढ़ोतरी में लगभग 2 वर्ष में ही हासिल हो गई। तो इन प्रयासों को देखते हुए ही हम लोगों ने अपने जापान से फंडेड जो प्रोजेक्ट है उसमें किसानों को 10-25% टॉपअप सब्सिडी और देने का जो फैसला है वो इस सरकार ने लिया है। प्रदेश में घटते पानी और बढ़ती आबादी के साथ पानी की सुरक्षा पर श्री महाजन ने यूं बयां किया। पानी की सुरक्षा हम जो मानते हैं कि अगर हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं और अगर हम अपने जो क्रिएटेड जो हमारे एसेट्स हैं, संसाधन हैं, इनका पुनरुद्धार करते हैं,
तो एक बूंद अगर हम पानी एफिशिएंसी के ज़रिए बचाते हैं तो वो एक बूंद क्रिएट करने में जो हमारा पैसा लगता है वो उससे कहीं अधिक है। तो हमारा फोकस अभी विभाग में भी ये है कि जो हम लोगों ने इतना बड़ा तंत्र अपना विकसित कर रखा है तो हम इसकी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाएं, नया निवेश भी हो पर पुरानी जो हमारी विरासत है इसकी सार संभाल भी हो ताकि समुचित जल संसाधन क्षेत्र का विकास हो सके। श्री महाजन ने इंदिरा गांधी नहर द्वारा टेल तक पानी पहुंचाने के बारे में यूं कहा। हमारे यहाँ पे जो IGNP का सिस्टम है, जैसा कि हमने एक छोटी लघु मूवी में भी बताया कि इसमें जगह जगह से हमारे पास शिकायत आती रहती थी कि हमारे उस क्षेत्र में पानी कम मिला, टेल पे पानी कम गया, और मुझे बड़ी खुशी है कि इस बार मीडिया ने ही अलग अलग क्षेत्रों में इसके ऊपर पॉजिटिव स्टोरीज़ अपने आप की हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मेरी कल परसों जैसलमेर कलेक्टर से बात हो रही थी, तो जैसलमेर में हमारे यहाँ जब IGNP से पानी जाता था तो जैसलमेर बीकानेर के क्योंकि डाउनस्ट्रीम में है तो हर साल वहाँ पे पानी की किल्लत महसूस होती थी। इस साल जब हमने सरहंद फीडर का भी काम चालू कर रखा है, थोड़ा सा पानी हमें उसके कारण कम भी प्राप्त हो रहा है, उसके बावजूद इस बार इस प्रणाली के कारण हमारा जो जैसलमेर को पानी है उसमें 10% की वृद्धि है। और इस 10% की वृद्धि के कारण जो उन्होंने बारियाँ निर्धारित की हुई थी अभी तक एक भी बारी हमने टूटने नहीं दी है, जबकि पहले वर्षों में जो बारियाँ थी बीच बीच में उनमें व्यवधान उत्पन्न होते थे। जो महाराष्ट्र वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इन लोगों ने बहुत सी चीज़ों में जो एक्सपर्टीज़ है वो हासिल किया है। जैसे मिसाल के तौर पे हर प्रदेश में कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ बरसात ज़्यादा होती है, जहाँ पे बांध ज़्यादा होते हैं, और कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे बांध कम बन सकते हैं और जहाँ पे बरसात कम होती है। तो महाराष्ट्र में ये लोग अपने पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसे इलाकों से उन इलाकों पे लेके जाते हैं जहाँ पे पानी का एक अच्छा बंटवारा हो सके। दूसरा, इन लोगों को जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके अप्रेजल करने में भी अच्छा एक्सपर्टीज़ हासिल है, और किस तरह से जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सस्टेनेबल बेसिस पे हमें आगे बढ़ाना है, किस तरह से इसमें किसान वर्ग को, इंडस्ट्री को, उसको भी शरीक करना है, इसमें भी इनका बड़ा अच्छा मॉडल है। तो हम लोग जो आज MOU कर रहे हैं ये बेसिकली एक नॉलेज शेयरिंग है, जिससे हमारे इंजीनियर्स इस अथॉरिटी के अधीन वहाँ जाके इनसे इस तरह के जो पहलू हैं इन आस्पेक्ट्स को समझ के हमारे यहाँ भी इस तरह का जो प्रयास है इसको प्रारंभ करेंगे। कार्यक्रम के आयोजन के लिए जल संसाधन विभाग ने काफ़ी लंबे समय से तैयारी की, और इस आयोजन के सूत्रधार रहे जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री रवि सोलंकी। क्या कहते हैं श्री सोलंकी इस आयोजन को लेकर? देखिए, राजस्थान में जो पानी है बहुत मेजर इशू है। हमारे यहाँ पानी बहुत ही ज़्यादा कीमती है क्योंकि यहाँ पर कम मात्रा में है। इसके लिए हमने कि वर्ल्ड बैंक ने हमारे को इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है, और इस प्रोग्राम को हमने विभिन्न डिग्निट्रीज को बुला के आयोजित किया है, जिसमें महाराष्ट्र वाटर रिसोर्सेज रेगुलेटरी अथॉरिटी कमिश्नर CADWM पोपटरा पवार कम्युनिटी लीडर जो हैं वो भी अभी इसको एड्रेस करेंगे, और हमारे काफ़ी जो NGOs हैं जिसमें वर्क कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोल्स हैं जिनका, साथ ही जो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स जो इसके अंदर इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं उन सभी को इसको पार्टिसिपेट बनाया है, और इस वर्कशॉप के आयोजन से मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मैसेज जाएगा। जिस तरह से जल संसाधन विभाग ने मुख्य सूत्रधार बनकर प्रदेश में पानी बचाने, पानी के संवर्धन और समुचित वितरण के लिए कार्यशाला का आयोजन किया, वह अन्य सभी विभागों के लिए भी सीख है। सरकार के अन्य विभागों को भी समय समय पर अपने विभाग के कार्यों की कार्यशालाओं का आयोजन कर कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए, ताकि विभाग से संबंधित कार्यों को विकास